हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो सरकार जो है वो क्वेश्चन को आउट होने से रोके, इसके ऊपर ये विशेष मुद्दा बना हुआ है। ना पढ़ने वाला का रिजल्ट हो जाता है और पढ़ने वाला एक दो नंबर से रिजल्ट से पीछे रह जाता है। यहाँ पे देखिए कि एज 30 हो गया, 25 हो गया, 27 हो गया, ये तैयारी करते करते अभी यहाँ पे तैयारी करते हैं दरोगा का, बीपीएससी का। बिहार पुलिस में तो आम बात हो गई है पेपर लीक होना, लेकिन बिहार पुलिस तक ही सीमित नहीं है सर। यहाँ पे दरोगा का है, जो प्रीवियस आप दरोगा में देख रहे हैं, बीपीएससी में देख रहे हैं, धांधली भी धांधली हो रही है जी। ऐसा नहीं है, अगर आपके परिवार में सब लोग रोजगार देने लगे तो फिर रोजगार करेगा कौन? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं हूं विक्रमादित्य कुमार और आप देख रहे हैं बिहार लाइव सेवन। सबसे पहले महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज हम आपको मुलाकात करा रहे हैं युवाओं से। हम अभी जहानाबाद के ओबीसी छात्रावास में हैं और यहाँ के युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में लगातार यहाँ से बरसों बरस तक पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ रहकर ही तैयारी करते हैं। आज महाशिवरात्रि था, इन लोगों का सामूहिक भोज का आयोजन किया गया था। इसी में हम भी न्यूज कवरेज करने के लिए आए तो इन लोगों ने कहा कि बिहार पुलिस की एग्जाम होनी है जो कि 14 तारीख और 21 मार्च को होनी है। इसे लेकर क्या छात्र सोचते हैं, हम इन लोगों का ओपिनियन जानने के लिए आपको सीधा इन लोगों से ही मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत कुमार हूँ। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल। एग्जाम देना है? जी हाँ। किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जैसे कि अभी बिहार पुलिस का क्या है कि हम पिछले एक साल से लगे हुए हैं, लेकिन रिजल्ट ना होने का कारण ये होता है कि क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम से पहले ही आउट हो जाता है। तो मैं बिहार सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ जो लड़के हैं बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो वैसे छात्र जो अपना जो है तैयारी कर रहे हैं एक साल से, वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो सरकार जो है वो क्वेश्चन को आउट होने से रोकें, इसके ऊपर ये विशेष मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो छात्र जो तैयारी करे हुए हैं वो छात्र रिजल्ट नहीं ले पाते हैं, और वैसे छात्र जो बाहर मतलब कमा रहे हैं और पैसे के बदौलत जो है बिहार पुलिस में आ जाते हैं अपने, मतलब जो ऐसे छात्र जो है अभी भी अपना मेगा छूत्र मेगा अपना सूची नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बिहार सरकार जो है इस पर जो है पूरा फोकस करे कि इस बार जो क्वेश्चन आउट ना हो, पूरी बढ़िया से तैयारी, मतलब क्वेश्चन को आउट ना होने दें और बढ़िया से एग्जाम करवाएं, जिससे जो है जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनका जो है रिजल्ट हो सके, ना कि जो बाहर से कमा रहे हैं और आए और पैसा दिए और क्वेश्चन मतलब अपना सेटिंग वोटिंग करवा के और रिजल्ट ले लिए। तो मैं चाहूँगा बिहार सरकार से कि इसके ऊपर कुछ किया जाए। देखिए, ये तैयारी के बारे में नहीं बताएंगे, सीधा क्वेश्चन आउट ही की बात करेंगे, क्योंकि बिहार में ये आए दिन हो रहा है, जब भी एग्जाम होते हैं क्वेश्चन आउट ही हो जाते हैं, चाहे वो मैट्रिक का एग्जाम हो, इंटर का एग्जाम हो, या फिर किसी बड़े एग्जाम जिसमें कहा जा सकता है कि वैकेंसी आती है, लंबे अरसे से लोग इंतजार करते हैं, नौकरी के इंतजार में रहते हैं और एग्जाम के ऐन मौके पर प्रश्न लीक हो जाते हैं। हमारे साथ और भी युवा हैं, बिहार पुलिस के जो छात्र हैं उनसे हम आपको मुलाकात करें। किस तरीके से तैयारी चल रहा है, बिहार पुलिस की तैयारी कैसे कर रहे हैं? हम लोग 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस के सर, और हम लोग मेहनत करते हैं और क्वेश्चन वायरल हो जाता है, इससे ना पढ़ने वाला का रिजल्ट हो जाता है और पढ़ने वाला एक दो नंबर से रिजल्ट से पीछे रह जाता है। इस हम कहना चाहते हैं कि क्वेश्चन सरकार आउट पर ना होने दे। और तैयारी कैसे कर रहे हैं आप तैयारी कैसे कर रहे हैं? तैयारी हम लोग कौन कौन से विषय पे आप ध्यान दे रहे हैं, कौन कौन से विषय पढ़ रहे हैं? सोशल साइंस और साइंस और हिंदी इंग्लिश पर भी ध्यान दे रहे हैं। बिहार पुलिस की तैयारी को लेकर कितना देर पढ़ाई चल रहा है? हर छात्र, सबसे पहले तो हम ये बता देना चाहते हैं कि बहुत बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हर बार क्वेश्चन लीक होता है और हर बार छात्र आवाज़ उठाते हैं और उसको आवाज़ उठाने के लिए सरकार दबाव बनाती है, उस पर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं और उसको जेल में डाल दिया जाता है, और ये अपनी कड़वी सच्चाई को सरकार छिपाने के लिए ये एक नाकाम कोशिश सरकार करती है जो छात्रों पर लाठीचार्ज करती है। ये सरकार को भी पता है और ये आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया को छिपाने के लिए, सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए जो सोशल मीडिया पे बैन लगाया गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो 15 साल सरकार है फिर भी हर चीज़ में नाकाम है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है बिहार का जिसका पेपर लीक नहीं होता है। अभी एग्जाम जब बिहार पुलिस का हुआ नहीं है तो पेपर लीक का मामला दूर का है? पिछले सबसे पहले ये बताइए कि आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, अगर पढ़ेंगे नहीं तो आप पास करेंगे नहीं? जी बिल्कुल, ये बात आपका पूछना बहुत जायज़ है। और हम लोग यहाँ देखिए कि
एज 30 हो गया, 25 हो गया, 27 हो गया, ये तैयारी करते करते हम अगर ये कह दें कि हम 2 साल से या 4 साल से तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा गलत होगा। करीब करीब हम लोग जब से इंटर पास किए हैं और 18 साल एज हुआ हर छात्र का, उस साल से बिहार में हर छात्र तैयारी में लग जाता है, लेकिन उसका अगर सही मायने में पूछें तो हर चीज़ का तैयारी करते करते क्वेश्चन आउट हो गया। हर छात्र जो है 6 घंटा 7 घंटा 10 घंटा पढ़ाई करते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट हो ही नहीं करता है। पैसे वाले बाप के, बड़े बाप के बेटे के, बड़े बाप के बेटों का रिजल्ट होता है। हालांकि एग्जाम होंगे, क्वेश्चन लीक होंगे, तब ये सारे सवाल होने चाहिए, ये सारे बातों का जिक्र तब होना चाहिए जब एग्जाम हो जाते और उसके क्वेश्चन लीक हो जाते। लेकिन छात्र हैं ये लोग, कुछ भी कह देते हैं, लोकतंत्र का में अधिकार है बोलने का। और जहाँ तक मुझे बिहार सरकार और प्रशासन से उम्मीद रहती है कि क्वेश्चन लीक कोई भी प्रशासन, कोई भी सरकार हो, ऐसा नहीं चाहता है। कुछ कमियाँ रहती है, कुछ चूक रहते हैं, बस के वजह से क्वेश्चन लीक हो जाना, हो सकता है कुछ कमियां उस तरीके की रह जाती है जिसकी वजह से लीक होती है, तो उन लोगों पे कार्रवाई भी होती है। हमारे साथ और भी कुछ युवा हैं जो कि बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं सर? यहाँ पे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे थे, हम भी यहाँ पे तैयारी करते हैं दरोगा का, बीपीएससी का। बिहार पुलिस में तो आम बात हो गई है पेपर लीक होना, लेकिन बिहार पुलिस तक ही सीमित नहीं है सर। यहाँ पे दरोगा का है, जो प्रीवियस आप दरोगा में देख रहे हैं, बीपीएससी में देख रहे हैं, धांधली पे धांधली हो रही है। सर हम कहना चाहते हैं अपने सरकार से, अपनी प्रजातंत्र से, अपनी लोकतंत्र से, कि आप भी एक दिन छात्र रहे होंगे, आपके साथ भी इस तरह से भावना के साथ खिलवाड़ किया होता, आपके साथ भी इस तरह से हाथ पे हाथ पहुंचाया गया होता, कैसा लगा होगा? अपने वो छात्र जीवन के बारे में सोचकर हम लारे छात्र जीवन के रक्षा करने का उनको प्रयास करना चाहिए, न कि इस पर हाथ पर रख के बैठना चाहिए। देखिए अभी कुछ दिन पहले हम लोग दरोगा की तैयारी कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन का वायरल आप लोग सुने ही होंगे किस तरह हुआ। हमारे नेता दिलीप कुमार भी थे, उन लोग भी उठाए, उनकी आवाज़ दबा दी गई। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि रोजगार के पीछे मत भागिए, रोजगार देने के पीछे भागिए। जी ऐसा नहीं है, अगर आपके परिवार में सब लोग रोजगार देने लगे तो फिर रोजगार करेगा कौन? ऐसा नहीं है, सब चीज़ का एक सिस्टम है सर। रोजगार ही एक मुद्दा नहीं है, रोजगार करना भी एक मुद्दा है, ठीक ना? हम लोग पढ़ते हैं कि सरकार के सिस्टम में जाके काम करें, सरकार के अच्छा तंत्र बनाएं, लेकिन सरकार ही अपना तंत्र को काट रही है हम लोगों से। तो अभी आप सुन पा रहे थे इन युवाओं को, इन छात्रों को, इनका साफ कहना था कि सरकार के कामों को हम करना चाहते हैं, हम रोजगार देना नहीं चाहते हैं, बल्कि रोजगार खुद ही पाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री हालांकि इस पर बहुत सारी योजनाओं को अपने लाभान्वित लोगों को बता रहे हैं कि आप रोजगार दीजिए, आप लोगों को देश में रोजगार दीजिए, स्वरोजगार के लिए आगे बढ़ाइए, लेकिन ये छात्र हैं जो कि सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। और इनका कहना है कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे ये बड़ी चुनौती इनके लिए नहीं है, ये कितना पढ़े हैं ये बताना नहीं चाहते हैं, बल्कि ये बताना ये चाहते हैं कि हर बार की तरह इस बार क्वेश्चन लीक ना हो, पेपर लीक ना हो, परीक्षा में धांधली ना हो। इसका मतलब साफ स्पष्ट होता है कि छात्रों में जितनी इस बात की डर है कि हमें कंपटीशन फाइट करना है, उससे ज़्यादा इस बात का डर होता है कि प्रश्न पत्र लीक हो जाएंगे और हम लोगों की जो है मेहनत बेकार चली जाएगी, या तो परीक्षा रद्द हो जाएंगे, या फिर वो लोग इसमें सफल होंगे जिनके घर पैसे होंगे, जो लोग धांधली करवाने में विश्वास रखते हैं। बहरहाल इन सारी चीज़ों पर ब्रेक तो अभी फिलहाल लगा हुआ है, बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है, एग्जाम का जो है डेट शेड्यूल आ गया है और जैसे ही एग्जाम होगा सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। छात्रों का आरोप अलग है कि क्वेश्चन लीक होता है, हर बार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी क्वेश्चन लीक हुआ है उसके जिम्मेवार जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई हुई है और आगे भी होती रहेगी, ऐसा हम सरकार से उम्मीद भी करते हैं। बहरहाल सारे छात्रों का जो मनोबल है वो अभी बढ़ा हुआ है, एग्जाम देना है, इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। अभी के लिए बस इतना ही, लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार लाइव 7।